जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा ग्वालियर के RSS कार्यालय के विवेकानंद सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हिंदू नववर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया, जिसको संबोधित करते हुए सभा के अध्यक्ष पूर्व ऑफिसर दौलत रानी जी ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन पुरुषों की संकीर्ण मानसिकता के कारण महिलाओं को हमेशा कम करके आंका गया है। उन्होंने सभी पुरुष समाज की तरफ से माफ़ी भी मांगी और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला राज्य आयोग की सदस्य प्रमिला वाजपेयी रहीं, जिन्होंने हिंदू नववर्ष की पूरी व्याख्या की। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित कर रही महिला पतंजलि योग समिति की मध्य प्रदेश प्रभारी सुमन अग्रवाल जी ने भी महिलाओं की शक्ति के बारे में लोगों को बताया। कार्यक्रम का आगाज ग्वालियर के मशहूर शंख वादक विक्रम राणा ने अपने शंख वादन से किया। उसके बाद कई बच्चियों ने अपने योग के करतब और नृत्य से समा बांध दिया, जिससे हॉल तालियों से गूंज उठा।
हमारी बेटियों की महिलाओं के द्वारा दिए गए योग के संदेश और बच्चियों के द्वारा किए गए योग के नृत्य को देखकर जहां एक तरफ सभी दर्शक और सभागार में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाईं, वहीं मुख्य अतिथियों ने सभागार में उपस्थित उन महिलाओं कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार किया है। जो योग टीचर हैं, जो ग्वालियर में जगह जगह योगाभ्यास करा रही हैं, उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने योग के नृत्य को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। एक सेकंड ज़्यादा मैं पीछे से लेके आ गए, दोबारा से लेना इधर चले गया, इधर देखो, इधर देखो, आ गया इधर देखो। महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा सम्मानित किए गए सभी सदस्यों ने बाद में ग्रुप फोटो भी खिंचाया। इस अवसर पर हमने भी सभी अतिथियों से बातचीत की। नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है और मैं आपको बता दूं कि अभी हम ग्वालियर के जिस स्थान पर आए हुए हैं वहां पर एक आयोजन किया जा रहा है और महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा ये कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है, जिसमें महिला पतंजलि योग समिति की मध्य प्रदेश प्रभारी जो सुमन अग्रवाल जी हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और साथ में नेहा पटेल जो हैं ये यहाँ की अध्यक्ष हैं, यहाँ की ग्वालियर की प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। प्रमिला भाजपेयी जो कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सदस्य रह चुकी हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं महिला शक्ति को जगाने के लिए, योग को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और भारतीय संस्कृति में आज का दिन एक काफ़ी बड़ा दिन माना जाएगा क्योंकि आज तीन बड़े पर्व आज के दिन हैं। पहला, आज से नववर्ष, हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हो रही है। दूसरा, आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है और आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत सारी महिलाओं की संख्या यहाँ पर थी। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम आज यहाँ पर आए, हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। इतनी सारी महिलाएं हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर उपस्थित हैं, आप जो महिलाएं यहाँ नहीं आ पाई हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? उन बहनों को जो यहाँ किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकी, हम उनको इस मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमारे परिवारों से तिरोहित न हो। युवा पीढ़ी कम से कम इन सारी चीज़ों को हमेशा अपने स्मरण में रखे, क्योंकि आगे आने वाला समय जिस प्रकार से युवाओं के माध्यम से ही संदेश जाता है, हम चाहेंगे कि नव संवत्सर, विक्रम संवत 2076 और इस प्रकार से जुड़ी हुई जो भी काल घटनाएं हैं, काल गणनाएं हैं, उन सबको याद रखें, समाज में एक स्वस्थ संदेश जाए, स्वच्छ वातावरण बने और हमारे मनीषियों के द्वारा जो कुछ हमें दिया गया है, विरासत में प्राप्त हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाएं। युवा पीढ़ी से आज के दिन यही संदेश। मैडम, आप महिला राज्य आयोग की सदस्य भी रही हैं। हमने देखा है कि महिलाओं को लेकर के समाज में दो तरह की एक नीतियां रहती हैं। परिवार में महिलाएं ही जब बच्ची जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं दुखी हो जाती हैं। इसके पीछे कारण शायद ये भी है कि पुरुष मानसिकता एक ऐसी है कि वो बच्चा चाहता है, मतलब लड़का चाहता है। उन पुरुषों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जब महिलाएं इतना बड़ा बड़ा काम करती हैं, इतना अच्छा अच्छा योग करती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, हमने देखा आपके पीछे मंच पर इतनी सारी महिलाओं की फोटो लगी हुई जो राष्ट्रपति तक बनी है भारत की, तो उन पुरुषों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चियों को लेकर के एक संकीर्ण मानसिकता रखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से विकृति और विसंगतियाँ हैं हमारे समाज में,
पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कन्या को पूजा गया है, स्वीकारा गया है, सराहा गया है। अगर हम कन्याओं को उनको पल्लवित पोषित नहीं करेंगे तो फिर आगामी हमारा संदेश क्या होगा, समाज में क्या विकृतियां आने वाली हैं, इसकी भी एक भयावह चेतावनी है। पुरुषों को इस मानसिकता का त्याग करना चाहिए। बेटा ही नहीं, बेटी भी समाज के द्वारा बहुत कुछ अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि बेटों से ज़्यादा बेटियां नाम कर रही हैं, तो शायद गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है। महिला पतंजलि समिति जिस तरीके से योग को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और खास करके महिलाओं को लेकर के समिति बनाई गई है, उसमें महिलाओं को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, इस समिति के बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से महिला पतंजलि के द्वारा बहुत अच्छा एक सशक्त कार्य समाज निर्माण के लिए किया जा रहा है। वो विशेष तौर से महिलाएं जो किसी कारणवश अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि वो सबसे पहले परिवार देखती हैं, परिवार की मुख्य धुरी महिला है जैसा मैंने कहा, और सुमन जी और इनकी पूरी टीम बहनों को जागृत करके अपने उनके पास तक पहुंचना, उनको योग प्रशिक्षण देना एक बहुत बड़ा कार्य है स्वास्थ्य से जुड़ा, कि स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन। जब स्वस्थ मन होगा तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा विचार कर सकते हैं, शायद यही एक स्वस्थ समाज का निर्माण है। तो ये हैं प्रमिला वाजपेयी जी, महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं, और इन्होंने जो बात कही कि पूरे महिलाओं को जो सुमन जी के द्वारा योग सिखाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं को एक संगठित करने के साथ ग्वालियर के अंदर आज आकर के ग्वालियर की महिलाओं को अपना मार्गदर्शन दे रही हैं, ऐसी सुमन जी से भी हम बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है। जी, योग को बढ़ाने का काम आपने किया है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपने महिलाओं को संगठित किया है, कितना परिश्रम आपको इसके लिए करना पड़ा? देखिए, जहाँ लगन होती है वहाँ परिश्रम कितना गिना नहीं जाता, वह स्वतः ही ईश्वरीय प्रेरणा से होता चला जाता है। मैं कहूँ तो ना मैं दिन और ना मैं रात, मैं कुछ भी नहीं देखती। जब मुझे जाना होता है तो रात के 3 बजे हों तो भी मैं उठ के 4 बजे उठ के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हूँ, और रात को चाहे मुझे 12 भी बज जाएं तो भी मैं सुबह अपने समय पर उठती हूँ। उसको मैं कोई अतिरिक्त कार्य नहीं मानती, या ये नहीं मानती कि ये मैं मेरे ऊपर कोई भार है या बहुत मुश्किल है मैंने ये किया है। नहीं, ये मैंने नहीं, एक ईश्वरीय शक्ति है जो कि कराती है, क्योंकि केवल एक ही भाव है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी दे सकूं, किसी को सुख दे सकूं, किसी का परोपकार कर सकूं, किसी को राहत पहुंचा सकूं, किसी का भला कर सकूं, तो मैं कर सकूं, ये शक्ति ईश्वर दे रहा है तो मैं अवश्य ही इसका उपयोग। ये शक्ति आपको ईश्वर दे रहा है बस। लेकिन प्रभावित किससे हुई आप, बाबा रामदेव से, परिवार के किसी सदस्य? हाँ, मैं इसमें कहूँगी कि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित हूँ और मेरी माँ से प्रभावित हूँ। मेरी माँ इतनी कर्मठ, वो योग करके नहीं जानती थी लेकिन फिर भी वो योग करती थी। उस वृद्धावस्था में भी उन्होंने जाते जाते तक जो भी कुछ देखा सीखा उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपनाया, और उनकी आत्मिक शक्ति बहुत विशाल थी, सुदृढ़ थी, सशक्त थी, क्योंकि उनके अंदर वेदों का अध्ययन था। महर्षि दयानंद के द्वारा जो वेदों का मार्ग दिखाया गया वो उन्होंने अपनाया, और हमने तो उनको देखते देखते ही सब सीख लिया। क्या सपना है महिला पतंजलि राज्य के अंदर जो आपने बनाई है जी, क्या सपना है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? महिला पतंजलि हर जिले में इतनी सशक्त हो कि यदि एक साथ कहीं संख्या बल और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, कहीं बौद्धिक और आत्मिक ऊंचाइयों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे आगे वो हों, यदि कहीं मातृशक्ति का किसी भी प्रकार से हनन या उसके साथ में कोई दुर्भाव हो तो वो सबसे आगे हों,
उससे बचाने के लिए और महिलाओं को इतना सशक्त करने के लिए कि वो स्वयं रक्षा कर सके। जो नेहा पटेल जी के द्वारा जो यहाँ पर इतना संगठित तरीके से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, उनकी टीम के लिए क्या कहना? नेहा पटेल जी वाकई में तारीफ़ काबिल हैं, जिन्होंने कि पूरे ग्वालियर की महिलाओं को ऐसे एकत्रित किया है जैसे माला के मोती की तरह, और सबको स्नेह से एकत्रित किया है, और उसके लिए वे अपना मैक्सिमम टाइम देती हैं। अपने घर में उनकी सास हैं, उनकी माँ हैं, उतने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हुए भी अपने पति और बच्चों का ख्याल, उनकी एक बेटी डॉक्टर भी हैं, उसको डॉक्टरेट कराया, दूसरा बेटा भी अभी 12th क्लास में है, वो सब करते हुए भी, और वो इतनी बखूबी समय निकाल लेती हैं, क्योंकि ये सारा बात है लगन से, क्योंकि उनको अंदर की लगन है, और वो मेरी स्टूडेंट भी रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वे प्रभावित हैं। आज हिंदू नववर्ष भी है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, जी महिलाओं के लिए क्या संदेश है? महिलाएं अपने आप में एक शक्ति हैं, और उस शक्ति को वो पहचाने और अपने जीवन में उतारने के साथ अपनी जो भावी पीढ़ी है उसके अंदर वो इन संस्कारों को पुरोहित करें कि पाश्चात्य संस्कृति से हट के वो अपनी संस्कृति को अपनाएं जीवन में और उन्नति की ओर बढ़ें। हमारे साथ में यहाँ पर अतिथि के रूप में भी आई हुई हैं जी सरोजी प्राचार्य। सरोजी आप प्राचार्य भी हैं, महिलाओं को आप पढ़ाते भी होंगे, और यहाँ पर योग भी पढ़ाने के यहाँ पर क्लासेस शुरू होती हैं, पूरे शहर के अंदर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। महिलाएं घर में रहती हैं, इसमें से समय निकाल करके योग के लिए आती हैं, योग कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए आपकी नज़र से? वास्तव में महिलाएं योग के कारण ही अपने घर परिवार और समाज के कार्यों, जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। वो कहते हैं शरीर स्वस्थ है तो जीवन के सभी चुनौतियों को बखूबी फेस किया जा सकता है, और शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो इच्छा होते हुए भी मन में समाज कार्य करने की, भारत माता का काम करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है तो कैसे सेवा करूं? तो भारत माता का कार्य करने की कहीं इच्छा है तो स्वयं को स्वस्थ बनाना प्रथम आवश्यकता है, और उसके लिए योग को जीवन में अपनाना, योग की शरण में जाना सबसे पहले आवश्यक। तो ये प्राचार्य हैं सनू जी, और ये यहाँ पर आई हुई हैं। अब हम बात करेंगे जो पूरा आयोजन आज यहाँ पर हुआ है, जो ग्वालियर की प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं हमारी नेहा पाटिल जी, पटेल जी। नेहा जी आपका स्वागत है, इतना बड़ा आयोजन किया आपने, सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू आपको भी, आप आए हैं यहाँ पे। इन सारी महिलाओं को घर से यहाँ तक लाने के लिए, खास करके हमारी जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जो आई हुई है, प्रभारी मध्य प्रदेश की थी, यहाँ पर इतने बड़े बड़े अतिथि यहाँ आए हुए, इन सबको सुनने के लिए महिलाओं को यहाँ लाना इतनी गर्मी में कैसे पॉसिबल था? पॉसिबल मैंने ये सोच के करा कि नहीं, मुझे अपना कार्यक्रम जो है उसको सफल बनाना है, तो मैं ये नहीं देखती थी कि मैं खाना खा रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, मोबाइल लेके तुरंत उनको मैसेज करती थी और तुरंत इधर फ़ोन करा, उधर व्हाट्सअप पे डाला। ये मैंने 4-5 दिन इतनी मेहनत करी है बुलाने के लिए, और पर्सनल मैसेज के साथ साथ मैंने इनको पर्सनल इनवाइट करा, वो भी एकदम प्यार से कि आप आइएगा। आप किससे प्रभावित होकर के इस संस्था से जुड़ी, महिला पतंजलि योग समिति से? हाँ, मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी। बहुत साल पहले, 10 साल पहले मैं काफ़ी बीमार रहती थी, और मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आता था कि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी, तो फिर यहाँ के काफ़ी डॉक्टरों ने मतलब मेरा इलाज करा, यहाँ तक ऑपरेशन तक का बोला, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस है ही नहीं उस चीज़ का। तो फिर मैं हरिद्वार गई थी, हरिद्वार में स्वामी जी के आश्रम में मैंने योग, उनके योगाचार से योग सीखा 5 दिन। 5 दिन सीखने के बाद जब थोड़ा थोड़ा उन्होंने सिखाया कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम, जब मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा पड़ा, फिर मेरे को काफ़ी लगन लग गई। मैं इस समिति के बारे में नहीं जानती थी, एक दिन मेरे को सुमन दीदी पार्क में मिली, और वो मेरी मैडम रही, तो उन्होंने ऐसा बोला कि नेहा तुम कैसे, क्या, कहाँ पे हो? तो मैंने कहा मैं यही हूँ।
तो बोले आप मेरे योग से जुड़ जाइए, तो मैंने योग से तो मैं जुड़ी हूँ। तो दीदी बोली नहीं आप है ना मेरे मेंबर बनिए, यहाँ आइए मेरे कार्यक्रम में आइए। तो मैं दीदी के कार्यक्रम में जाने लगी और मैं योग तो करती थी और जो मुझे नहीं आता था वो मेरे को दीदी ने सब सिखाया और फिर मैं आगे इस संस्था की। कितने समय लगा आपको ये सब सीखने में योग वगैरह? मेरे को योग सीखने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, योग तो आ गया मुझे प्रॉपर आ गया, लेकिन मैं खुद स्वस्थ हो गई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा अस्वस्थ ना रहे कि मैं उसके माध्यम से सबको स्वस्थ रखना चाहती हूँ। ग्वालियर की समिति की अध्यक्ष हैं महिला पतंजलि की, तो इसमें जो महिलाएं अभी हमारे टीवी पर जो प्रोग्राम देखेंगी उनके उनको अगर जुड़ना हो आपकी समिति से तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है, क्या फीस वगैरह रहती है? नहीं नहीं हम लोगों का कोई फीस नहीं रहती, हम लोग शिविर करते हैं, शिविर के द्वारा उनको योग सिखाते हैं। वो अगर वो हमसे जुड़ना चाहती है तो एक विशिष्ट सदस्य बनाया जाता है जो हरिद्वार पहुँचाया जाता है उसको, हरिद्वार शिविर के लिए कॉन्टेक्ट वो मुझसे कर सकती हैं, सुमन दीदी हैं उनसे कर सकती हैं, गायत्री शर्मा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है उनसे कर सकती हैं। तो हम लोग विशिष्ट सदस्य बनाते हैं और योग शिक्षक शिविर लगाते हैं। हाँ साथ साथ में समिति स्वदेशी का भी प्रचार करती है, भारतीय संस्कृति का भी प्रचार करती है। हाँ हाँ ये तो हम लोग पहले ही करते हैं, हम स्कूलों में शिविर कराते हैं, बच्चों को योग सिखाते हैं, लेकिन सब चीज़ से ज़्यादा उनको संस्कार सिखाना जो हमारी संस्कृति जो हमारे योग के माध्यम से सिखाया जा सकता है। किसी भी उम्र की महिलाएँ इसमें आती हैं? यस हाँ, कोई भी उम्र एजेड भी आती है, जो मतलब ज़मीन में बैठ नहीं सकती चेयर पर बैठ के वो अपना प्राणायाम करती हैं, सूक्ष्म व्यायाम करती हैं, और यंग रहते हैं तो उनको उस तरह से सिखाया जाता है, मीडियम रहते हैं तो उस तरह से। थैंक यू थैंक यू। अभी एक और शख्स हैं जिनको सम्मानित किया गया है। मैडम आपका स्वागत है, आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ मेरा सुलेखा शर्मा। शर्मा मैडम आप कब जुड़ी की समिति से और समिति जुड़कर आपको क्या फ़ायदा हुआ? मुझे एक साल हो गई है इसमें जुड़े हुए और ये सुमन मैडम मेरी भी गुरु रही हैं, केआरजी कॉलेज में एनसीसी की टीचर थी वो, मैं स्टूडेंट थी उनकी। और ये मेरी फ्रेंड है नेहा पटेल, गायत्री दीदी, हम लोग सब केआरजी कॉलेज के हैं। तो सारे लोग अभी हम एक साल से मतलब मैं एक साल से जुड़ी हूँ, तो मैं इन लोगों से जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं भी करती हूँ तो आराम मिलता है। अगर योग सुबह उठ के रोज़ करते हैं, अभी कुछ दिन से मेरा थोड़ा दिनचर्या चेंज हो गई है, दिन भर घर का काम करती हैं। हाँ सुबह से लेकर शाम तक पुरुषों के लिए काम करती हैं, काफ़ी थकावट उनके हो जाती है, क्या योग से उनकी वो थकावट भी दूर होती है? हाँ अगर हम योग करते हैं तो हमें सारे दिन फुर्ती रहती है, अगर योग नहीं करते हैं तो हाथ पैरों में दर्द होता है। योग सभी के लिए फायदा है, अगर योग करेंगे तो निरोग भी रहेंगे। जी मैडम अपना नाम? मेरा नाम सुजाता यदवंशी है। आप कब जुड़ी संस्था? मैं अभी 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। इससे सम्मान मिला यहाँ पर? सम्मान मैं यहाँ पर आई यही बहुत बड़ा सम्मान है, मैं इससे जुड़ गई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा। मैं अभी कुछ दिनों से ही योग कर रही हूँ, उसके पहले मैंने खाली प्रोग्राम ही अटेंड किए थे और अभी कुछ दिनों से मैंने योग करना स्टार्ट किया है। तो उसके जिसकी वजह से मैं ज़मीन पर ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी आलती पालती मार के, तो अब मैं ज़्यादा देर तक बैठ सकती हूँ आलती पालती मार के। तो ये हैं महिला पतंजलि योग समिति ग्वालियर, महिला पतंजलि योग समिति ग्वालियर की सदस्य हैं ये पूरी टीम जो यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के द्वारा हमने आज यहाँ पर कवरेज किया। तो हमें यही महसूस हुआ कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं। अगर महिलाएं इतना एकत्रित होकर इतना संगठित होकर के योग को बढ़ाने का पूरे विश्व में काम कर सकती हैं तो निश्चित तौर पर महिला दिवस से बड़ा दिन नहीं हो सकता था। अपने सहयोगी रवि सिकरवार के साथ मैं संजय भारद्वाज RBS लाइव इंडिया के लिए। महिलाओं को सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम था, हमारा नववर्ष है हिंदुओं का और नववर्ष को ने महिला राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया है। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं ने बहुत बच्चियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और जिससे सभी महिलाएं सशक्त हों, राष्ट्र सशक्त हो। और मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएँ दूंगा, आज के हमारे हिंदुओं के नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा किए गए इस शानदार कार्यक्रम में जहां एक तरफ हमने मुख्य अतिथियों से बात की, वहीं दूसरी तरफ हमारी रिपोर्टर साइन खान ने आए हुए लोगों से और इस कार्यक्रम में योग के नृत्य को दिखाने वाले कलाकारों से भी बातचीत की और सभी ने इस समिति से जुड़े हुए अपने शानदार अनुभवों को साझा किया। हाँ बताएं आपका नाम? गायत्री शर्मा है और मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ पतंजलि। जी आप?
हम योग शिक्षक हैं। हमारा नाम अंजू सिंह है, गोविंदपुरी मंदिर में क्लास लेती हूँ। आपका? मेरा नाम रुचि तिवारी है, मैं योग शिक्षक। आज राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज माँ दुर्गा शक्ति के रूप में आज उनकी पूजा की जाती है, तो आज महिला दिवस को हम इसी रूप में मनाते हैं। और उसके लिए ही है कि महिलाएं माँ दुर्गा की तरह शक्ति रूपा हैं, उसी तरह कार्य करें। और ये आपको ये सम्मान मिला है, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी है, हम लोग जो इतने समय से कार्य कर रहे हैं। कब से आप इसमें? मुझे करीबन 15 साल हो चुके हैं पतंजलि में। अच्छा, 15 साल। अच्छा, आप बताएं। मुझे 5 साल हो। आपको क्या मतलब, आपका ये पहली बार सम्मान हुआ है क्या? नहीं, एक बार और हो चुका, ऐसे कई मौके पे हो जाता है सम्मान। तो मेरा सम्मान लिए मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। आप बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम शिल्पी सांगी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। आज की बेटियाँ, बेटी है तो कल है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी रक्षा मंच, लेकिन सक्षम समिति महिला मंडल की सचिव हूँ, और वहाँ के शुभ विवाह प्रोजेक्ट की हेड भी हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि आज महिला दिवस है तो हमें ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे महिलाएं आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो आत्मरक्षा का क्षेत्र हो, उनके सामाजिक स्तर में हम वृद्धि कर सकें, ऐसे हमें कार्य करना चाहिए। उनको हर क्षेत्र में घरेलू हिंसा से, दहेज प्रथा से, हर तरह से उनको बचाव करना चाहिए, और ऐसा हर प्रयास करना चाहिए जिससे वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ओमी निषाद, ऋतु लोधी, श्रुति भदौरिया, प्रिया राठौर, मनीषा दिवाकर, प्रज्ञा तोमर। आपको आज ये सम्मान मिला, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 4 से 5 साल तक हैं, हम लोगों ने नेशनल भी किया हुआ है योग से। हम लोगों ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला था 2 साल लगातार, और उसमें हमारी टॉप 10 में पोजीशन भी आई थी, और हम लोग उड़ीसा और कुरुक्षेत्र और चेन्नई जा चुके हैं खेलने के लिए। हमारा भी 3 बार नेशनल लग चुका है, उड़ीसा, चेन्नई और टॉप 10 में टीम आई है। जी, मैं अभी न्यू ज्वाइन किया है मैंने। मेरा फर्स्ट बार नेशनल, हाँ नेशनल, मैं 3 साल से खेल रही हूँ पर फर्स्ट बार लगा है। बहुत अच्छा लगा मुझे, शब्दों से ही नहीं कह पा रहे हैं कितना अच्छा लगा है। बहुत खुशी हो रही है। सबको मैसेज यही देना चाहती हूँ कि करें योग और रहें निरोग। और योग करें, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं होता है, योगा से हम लोग बिल्कुल विदाउट बीमारी रह सकते हैं, हम लोग एनर्जेटिक। और जो हमारी मैम है जो हमको योगा कराती है, वो 63 इयर्स की हैं, बट उनमें जोश ऐसा रहता है कि हम लोगों से भी ज़्यादा रहता है। तो योगा तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के साथ किया गया। सभी ने उठकर वंदे मातरम गाया। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय।